नमस्कार, अभी हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पे हैं, जो अभी किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। वहाँ आज किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। उनके आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से उनका आंदोलन चलेगा, आइए हम उन कुछ किसान नेताओं से ही बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उनका आगे के आंदोलन की रणनीति क्या है। देखिए, हमारी जो बैठक थी ना आज, इस बैठक का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि सरकार ने हमें एक इन्विटेशन दी थी। इन्विटेशन में ये कहा था कि आप ऐसी ऐसी शर्तें मानेंगे, आप वहाँ आइए। कंडीशनल इन्विटेशन थी। जब हमें कंडीशनल इन्विटेशन देंगे तो किसानों के मन में दुख है कि देखिए, पूरे पंजाब का किसान और आज पूरे देश का किसान चला हुआ है, पंजाब का किसान रास्ते में इतनी तकलीफ झेलता हुआ आया है कि पानी की बुछाड़ें पड़ी हैं इसके ऊपर। इन लोगों को सर्दी में, ठंड में आना पड़ा है, भूखे प्यासे आना पड़ा है। ऐसे हालात में अगर सरकार को चाहिए तो ये था, ये हमारे, ये देश के नागरिक हैं, इनके वोटर हैं, इन्हीं की वोट से ये यहाँ पर बैठे हैं। इन्हें ये चाहिए था कि भाई, आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई है तो हम आपको बड़े दिल से लेने आए हैं, आइए आप यहाँ रोकिए अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और हम आपसे बात करते हैं। क्या हमारे किसान हमें चाहे बुराड़ी में छोड़ो, हमें कुएं में घेर देते ना, हमारे किसान कुएं में भी गिर जाते। लेकिन इन्होंने तो ये बैरिकेडिंग कर ली। बैरिकेडिंग की है तो किसानों के साथ यहाँ मिस हैपनिंग हुई है, अथ्रू गैस वगैरह छोड़ी गई, वो सब कुछ हुआ, तो उसकी वजह से किसानों में आक्रोश है। उसी आक्रोश की वजह से सरकार ने एक और नया और आक्रोश बढ़ाने का ये प्रयास किया है कि आज उन्हें कंडीशन नहीं लगानी चाहिए थी। आज उन्हें ये चाहिए था कि भाई आइए बात करिए, अगर बात से मैं से कुछ ना कुछ निकलता तो हम अपने किसानों भाइयों को भी ये कहने वाले बनते कि भाई आए, अब सोल्यूशन निकलने का रास्ता निकल रहा है, हम वहाँ चलें, फिर हो सकता है हमारे किसान हमारी बात मान जाते। लेकिन ये थोड़ी तरीका है कि किसानों को ये कह देना कि पहले वहाँ जाएं फिर बात करेंगे, मुझे लगे ये अच्छी नहीं लगी बात है। असी मोदी साहब जड़े ने वो जो सा मुख्य प्रधानमंत्री आ, 7 साल हो गए सानू देश भर के किसानों वो मन की गल सुन, हम असं लखा की गिनती जिथे आए हैं तो हूँ साढ़े मन की गल सुने। साडे मन की गल आ भी जड़े किसानों के मौत के वरंटा के उत्ते दस्खत किए ने उन्होंने रद्द करो, तिने खेती कानून जो होर अगे बिजली सोध बिल जो है वो लिया फिरते हैं उन्होंने भी रद्द करे, जो ऑर्डिनेंस जारी किया पोल्यूशन के संबंध में उन्होंने भी रद्द करे, ये पांच जिहड़े हैगे ने इन्हों रद्द करे। इस रद्द करन दे विचार दे नाल जे साडे नाल गल करना चाहुंदे ने तो एक चंगी गल होगी, फिर असीं खुले मन नाल गल चाहांगे, पर खुले मन आउण जे शर्तां आउणगे तां असीं बिल्कुल गलबात करन भी तैयार नहीं। इवें ही नैशनल हाईवे बंद रहणगियां, कल नूं पांच स्टेट ते नैशनल हाईवे दिल्ली दा चार छपेरे होणगे, दिल्ली पूरा किराया होगा। अंदोलन जीतना है, अगर आंदोलन जीतना है तो शांति बनाए रखना, जीत के जाएंगे चाहे कुछ भी हो, जीत के जाएंगे, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है और वो हमारे अभी हमारा आगे का आंदोलन का रास्ता यही होगा कि हम शांति से चलेंगे, जो सरकार ने जितना लंबा ले जाना ले जाए, सरकार की मर्जी है, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो इस आंदोलन में सिर्फ हमें तो चिड़िया की आँख दिखाई देती है, यानी कि 3 कानून हैं जो वापस करवाने हैं। हम उसके लिए तैयारी करके आए हैं, हम बातचीत के लिए खुले हुए हैं, तैयार हैं। सरकार को मन बनाना है कि क्या वो खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। अभी तक तो सरकार ने नहीं कहा। खुले मन से बातचीत का मतलब होगा बिना शर्त बातचीत। दूसरा, सरकार सब लोगों से बातचीत करे, जैसे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, सिर्फ पंजाब के संगठन ही नहीं, बाकी राष्ट्रीय संगठनों को भी इसके अंदर जोड़ा जाए, क्योंकि कानून पूरे देश के लिए हैं। और तीसरा, सरकार ये माने कि हाँ भाई, किसान की चिंता है, किसान के मन में दुख है, हमें समझ आता है और हम इसलिए इन कानूनों पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं। देखिए, पहली तो बात ये है, मैं सरकार से, आप पूछें सरकार से कि आप ये कह रहे हैं कि किसान केवल पंजाब के हैं, जो 26 तारीख को जंतर मंतर पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वो अरेस्ट किए हैं 250-300 किसान, वो कौन कौन की स्टेटों से आए थे, कहाँ से थे, वो एड्रेस लिखे पाए ना उनके वहाँ पे, तो उस थाने में, अगर क्या वो पंजाब के थे। उसके बाद फिर कल किसानों ने आकर वहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट किया, कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट किया, वो भी सभी वीडियो आए, उनको भी अरेस्ट किया सरकार ने, उनका भी रिकॉर्ड देख लें वो कहाँ से आए थे। आज बिहार से, आज यूपी से, आज मध्य प्रदेश से, आज गुजरात से, आज कर्नाटका से, आज महाराष्ट्र से, सभी जगहों से किसान इस आंदोलन में हमारा सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। आज देखा जाए
तो ये यहाँ गाजियाबाद रोड ब्लॉक हो गया, वो किसने किया? वो किसानों ने किया ना। कहाँ के थे वो? पंजाब के थोड़ी हैं, वो तो उत्तर प्रदेश के हैं। अगर उत्तर प्रदेश के किसानों ने वहाँ किया तो ये सरकार कैसे कह रही है कि ये केवल पंजाब के किसान हैं? ये तो पूरे देश का आंदोलन है। Thank you.